हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड वेलकम टू आवर ज्योग्राफिकल करंट अफेयर क्लास वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अगस्त टू दिसंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर व्हिच इज प्रोबेबली कम इनटू कमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो अभी दो दिन के बाद होने वाला है ना। तो काफ़ी टेंस सिचुएशन है, पर टेंस मत होइए। जो हम टॉपिक्स यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इनको ज्योग्राफी में आप पढ़ते जाइएगा। चलिए, तो कल हमने सुनामी रेडी टैग तक डिस्कस किया था, ठीक है, सुनामी प्रिपेयर्डनेस के बारे में पढ़ा था। सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर करिएगा। उसके आगे आज हम यहां पर स्टडी करेंगे व्हाट इज कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर या CDRI क्या है, ठीक है, CDRI क्या है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिजिटली एड्रेस्ड द कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहां पर देखिए कि क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकता है। जैसे डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो CDRI हुआ, ठीक है, CDRI कॉन्फ्रेंस वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें किसने डिजिटली एड्रेस किया था, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फैमिली वेलफेयर हेल्थ इन्होंने उसको एड्रेस किया था। और ये जो है किसके किसके कोलिजन में हुआ है, तो ये CDRI और UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। और इसमें भारत की तरफ से यूनियन मिनिस्टर फॉर फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पार्टिसिपेट किया। यानी कि गुड मॉर्निंग मंजीत, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ठीक है। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज, दो संस्थाएं यहां पर आपको मिल रही है, व्हाट इज CDRI कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड है कि डिजास्टर के अगेंस्ट उससे बचने के लिए हम कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा है UNDRR यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो इनका कॉन्फ्रेंस अमूमन होता रहता है, इसमें यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एड्रेसल किया है, ठीक है। सो द कोलिजन ऑफ CDRI इज एन इंटरनेशनल कोलिजन, याद रखना है। ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल कोलिजन है ऑफ कंट्रीज यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजेंसीज में जो कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर एंड कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कोलिजन है जिसमें यूनाइटेड नेशन एजेंसीज की जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज पार्टिसिपेट करती हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिक एक्सपर्ट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। गुड आफ्टरनून सुमित, ठीक है। इसका एम क्या है, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट द 2019 UN क्लाइमेट समिट। 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था, उसमें CDRI को लॉन्च किया गया था। और इस बार इसका जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें भी भारत ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखना है। प्लस UNDRR क्या है, UNDRR क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। UNDRR क्या है, तो UNDRR बेसिकली यूनाइटेड नेशन का, दिस इज अ फोकल पॉइंट फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्टेरिएट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूनाइटेड नेशन के सेक्टेरिएट का पार्ट है। UNDRR यूनाइटेड नेशन सेक्टेरिएट का पार्ट है। और UNDRR क्या करता है, तो इट ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये आपको याद रखना है, व्हाट इज सेंडाई फ्रेमवर्क। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो डिजास्टर से बचने के कई सारे नियम कानून बनाए जाते हैं जिनको UNDRR की जो कंट्रीज हैं वो उसको फॉलो करती हैं। सेंडाई इज अ सिटी इन जापान, वहां पर ये फ्रेमवर्क साइन हुआ है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क आपको याद रखना है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है, जो कि इसके टारगेट ईयर क्या है, टारगेट ईयर है 2015 से लेकर के 2030 के बीच, ठीक है, 2015 से 2030 के बीच है, ठीक है। नाउ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
इज एन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट दैट वॉज अडॉप्टेड बाय यूएन मेंबर. किसके द्वारा अडॉप्ट हुआ है? यूएन की मेंबर कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट हुआ है. वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विच इज हेल्ड इन सेंडाई जापान इन 2015. ठीक है. सो इट इज ऑल्सो एंडोर्स बाय यूएन जनरल असेंबली इन 2015 में. सभी देश जो है यूएन में की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी देश इसको फॉलो करते हैं. ठीक है, ये सभी देश इसको फॉलो करते हैं. और हाइग्रो फ्रेमवर्क एक्शन प्लान, हाइग्रो फ्रेमवर्क इसी तरीके का इसके पहले जो एक्शन प्लान था जिसको रिप्लेस किया है सेंडाई फ्रेमवर्क ने, उसके पहले जो था 2005 से 15 के बीच का जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड फ्रेमवर्क था वो था हाइग्रो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन. अब इंप्लीमेंट होता है सेंडाई फ्रेमवर्क विच हैज बीन द मोस्ट इनकम्पासिंग इंटरनेशनल एकॉर्ड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. तो यहां पर दो तीन चीजें यहां पर आपको मिलती हैं. सीडीआरआई क्या है, यूएनडीआरआर क्या है, किसके अंडर में काम करता है, तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के अंडर में काम करता है. ये किस चीज को लुक आफ्टर करता है, तो इट ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क. सेंडाई फ्रेमवर्क किसकी जगह पर आया है? सेंडाई फ्रेमवर्क आया है हाइग्रो फ्रेमवर्क एक्शन प्लान के जगह पर आया है. और ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? ये सब कुछ रिलेटेड है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से. ठीक है, क्लियर है. तो इसको आप लोग थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा. नेक्स्ट देखते हैं बायोफ्यूल. वैसे बायोफ्यूल के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है ऑलरेडी. थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं कि द मैथड प्रपोज फॉर कन्वर्टिंग बायोफ्यूल. अब यहां पर ये चर्चा में क्यों आया है बायोफ्यूल? क्योंकि कोरोना पीरियड में बहुत बड़ी मात्रा में पीपीई किट जो है वो यूज किए गए. कोई मुझे यहां पर फुल फॉर्म बता. एंडोर्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्टर जो है वो किसी प्रोडक्ट का ऐड करता है, वो उसको एंडोर्स कर रहा है. एंडोर्स कर रहा है मतलब वो उसका सपोर्ट कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है. ठीक है, एंडोर्स करने का मतलब उसे सपोर्ट करना और प्रमोट करना है. सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर करिएगा. कोई मुझे फुल फॉर्म बताए पीपीई किट का क्या फुल फॉर्म होता है, पीपीई किट का क्या फुल फॉर्म होता है? तो यहां पर ये करंट अफेयर में क्यों आया है? क्योंकि ये बात कही गई है कि इतने पीपीई किट जो वेस्ट हो रहे हैं, पीपीई किट एक बार से ज्यादा आप यूज नहीं करेंगे, तो पीपीई किट जो है, पीपीई किट जिसमें पूरा पहनने का होता है, ग्लव्स वगैरह होते हैं, मास्किंग होती है, ये सब पीपीई किट में आता है. ठीक है, तो पीपीई किट से बायोफ्यूल में कन्वर्जन का मेथड डिस्कवर किया गया है. ठीक है, सो द मेथड प्रपोज्ड फॉर कन्वर्टिंग पीपीई किट, बिलियंस ऑफ द डिस्पोजेबल पीपीई किट इंटू बायोफ्यूल. ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन इंटू बायो क्रूड या सिंथेटिक फ्यूल विल प्रिवेंट द सीवियर आफ्टर इफेक्ट टू द एनवायरमेंट. अब ये पीपी किट एनवायरमेंट में जाएंगे, उनको डिस्पोज ऑफ नहीं होगा ठीक से, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा उसका. हाँ जी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. वेरी गुड निकी. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट का फुल फॉर्म है. तो पीपीई किट को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने का की वजह से जो मेथड इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है, और ये मेथड क्या है? केमिकल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं पायरोलिसिस. पायरो का मतलब होता है आग लगाकर, जलाने के बाद, ठीक है, उसमें से कार्बन कैप्चरिंग किया जाएगा. ठीक है, तो पायरोलिसिस मेथड से इसको किया जा रहा है. तो ये भी याद रखिएगा, पीपी किट को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने का जो मेथड है पायरोलिसिस मेथड, उसके माध्यम से किया जाएगा. दिस ब्रेक डाउन द प्लास्टिक एट हाई टेम्परेचर बिटवीन 300-400 डिग्री पर इसको क्या किया जाएगा, बर्नआउट किया जाएगा, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में. तो पायरोलिसिस जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा. 300-400 डिग्री पर इसको कन्वर्ट किया जाएगा और वहां से बायोफ्यूल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा. ठीक है, नाउ बायोफ्यूल क्या है? जब हम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर क्या है हमारा? जितना भी जैविक पदार्थ है, ठीक है, जितने भी जैविक पदार्थ हैं उससे हम फ्यूल जनरेट करते हैं. जैसे बायोफ्यूल जो है वो कॉर्न से भी बनता है, मक्का से बायोफ्यूल बन सकता है, हर एक ऑर्गेनिक मैटर से बायोफ्यूल बन सकता है. ठीक है, पेड़ पौधों से बन सकता है, सबसे बायोफ्यूल बनाया जा सकता है. बायोफ्यूल क्या है बेसिकली, वो भी थोड़ा सा देखते हैं. तो जैसे वुड है, मैन्यूर है ना, गोबर वगैरह, उससे भी बायोफ्यूल हम बनाते हैं. तो इन चीजों से बनने वाला लिक्विड बायोफ्यूल, जैसे बायोएथेनॉल है, बायोडीजल है, ठीक है, लिक्विड बायोफ्यूल है. सॉलिड बायोफ्यूल है,
वुड, मेन्यूर, ये सब सॉलिड बायोफ्यूल है। गैसियस बायोफ्यूल है, बायोगैस है ना, बायोगैस बनाने के टैंक पहले अभी भी विलेज लेवल पर बनाए जाते हैं जिसमें गोबर के माध्यम से बायोगैस निकाली जाती है। तो ये सब बायोफ्यूल के प्रकार है, ये सब कुछ बायोफ्यूल में आता है। सो लकड़ी भी क्या है, बायोफ्यूल है ना। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर हम फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं वो सब बायोफ्यूल है। अब उससे आप बायोएथेनॉल या जिसको हम पेट्रोल में मिलाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने टारगेट रखा ना कि बायोएथेनॉल को 20% तक, उस स्कीम को क्या कहा गया, E20 स्कीम, ठीक है। तो बायोफ्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास सच एज शुगर, वेजिटेबल ऑयल, वेस्ट फीड स्टॉक, जो खाने पीने का सामान खराब हो जाता है, सड़ जाता है, उससे भी बना सकते हैं। बायोफ्यूल एमिट्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा, जितना भी बायोफ्यूल बनेगा वो पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा, ठीक है। तो हम इस बायोफ्यूल को बना करके पेट्रोल डीजल के साथ में ब्लेंड कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि 20% तक बायोएथेनॉल हम मिक्स करें पेट्रोलियम में, तो कार्बन एमिशन भी कम होगा और हमारा ऑयल का इंपोर्ट भी कम होगा। और जब ऑयल इंपोर्ट कम होगा तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है या हमारे जो डॉलर्स हैं, पैसा है, वो भी बचेगा, ठीक है। सो बायोफ्यूल रिप्रेजेंट्स 3% ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट फ्यूल अराउंड द वर्ल्ड। अभी इसका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड कितना है, केवल 3% ही, ओवरऑल फ्यूल जो यूज हो रहा है उसका 3% ही बायोफ्यूल यूज हो रहा है। अब ये चार जनरेशन में डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है, अगर हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल की बात करें तो इट इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम फूड क्रॉप, ठीक है। ये डायरेक्टली कहां से प्रोड्यूस होता है, फूड क्रॉप से, जितनी भी खाने वाली फसलें हैं, जैसे गन्ने से हमने कर लिया, मक्का से कर लिया, ठीक है, तो उनके फर्मेंटेशन से बायोएथेनॉल प्रोड्यूस होता है। कन्वेंशनल मेथड से लाइक फर्मेंटेशन के माध्यम से यूज होता है, इसमें वीट, शुगर, कॉर्न, ये सब यूज हो सकता है, ठीक है, रेप सीड, ये जितनी भी फसलें हैं उस उन सब से हम बायोएथेनॉल बना सकते हैं। एथेनॉल बेसिकली क्या है, एल्कोहल है ना, जो पीने वाला एल्कोहल है वो भी एथेनॉल है, तो उससे हम बना सकते हैं, इसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। अब फर्स्ट जनरेशन का नुकसान और फायदे क्या है, फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल है हैव अ नंबर ऑफ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। जैसे मान लीजिए कि हम वीट से बनाते हैं, तो खाने के लिए हम इसे यूज करें वीट को, या इससे हम क्या बनाए, एथेनॉल बनाए, तो हो सकता है कि फूड क्रॉप्स का कमी हो जाए। जहां पर हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी अवेलेबल कराना है, ऐसी दशा में अगर हम इससे फ्यूल बनाते हैं तो हो सकता है कि हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ सकती है, हैम्पर हो सकती है। सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। सो दीज बायोफ्यूल कैन प्रोड्यूस नेगेटिव नेट एनर्जी गेन। नेगेटिव नेट एनर्जी गेन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति उसको खाता तो उसको भी तो एनर्जी मिलती काम करने की, है ना। अगर अब फूड की कमी होती है तो उसको हम नेट नेगेटिव एनर्जी गेन कहते हैं, ठीक है। और ये भी है कि रिलीजिंग मोर कार्बन इन देयर प्रोडक्शन देन द फीड स्टॉक कैप्चर इन द ग्रोथ। जैसे वीट को अगर हम खाते तो उतना कार्बन, क्या कार्बन उत्सर्जन होता, नहीं, पर उसी वीट से अगर हम बायो इथेनॉल बना लेते हैं, बायोफ्यूल बना लेते हैं और फिर उसको पेट्रोलियम के तौर पर यूज करते हैं तो उससे कार्बन एमिशन होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम फूड क्रॉप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो फूड क्रॉप से बायोफ्यूल बनाने का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव नेट एनर्जी गेन, नेगेटिव नेट एनर्जी गेन। तो उसी वीट को अगर आप खा लो तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, पर उसी वीट को अगर आप बायोफ्यूल में कन्वर्ट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा। तो नेगेटिव नेट एनर्जी गेन यहां पर हमको दिखाई पड़ रहा है। मोस्ट कंटिन्यूअस इशू फॉर द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल इज फ्यूल वर्सेस फूड। क्या जरूरी है, ईंधन ज्यादा जरूरी है, फूड जरूरी है, तो ये एक डिबेट जो है हमेशा इसमें रहती है। और बायोफ्यूल फ्रॉम फूड ग्रेन हैव बीन ब्लेम्ड फॉर द इंक्रीज ऑफ फूड प्राइसेस, ठीक है। तो इससे क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इससे फूड प्राइस जो है वो बढ़ेगा और आम जनता को इससे हानि पहुंचेगी। तो ओवरऑल अगर हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना, फूड ग्रेन से बायोफ्यूल बनाते हैं, तो इससे हमारी फूड सिक्योरिटी हैम्पर होगी, प्राइजेस बढ़ेंगे, नेगेटिव नेट एनर्जी गेन यहां पर हो रहा है, कार्बन एमिशन जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल इज नॉट प्रेफरेबल, ठीक है, प्रेफरेबल नहीं है। क्या करें फिर, उसके बाद देखते हैं सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में हम
जो फूड क्रॉप्स हैं उनको यूज नहीं करते हैं, इनमें नॉन फूड क्रॉप्स को यूज करते हैं, सच एज वुड से बायोफ्यूल बना लीजिए, ऑर्गेनिक वेस्ट से बना लीजिए। फूड क्रॉप का जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, फूड क्रॉप का जो वेस्ट निकलता है, एंड स्पेसिफिक बायोमास क्रॉप, बायोमास बायोफ्यूल क्रॉप्स जैसे जत्रोपा, जोजोबा, पोंगामिया, इस तरीके के पेड़ पौधे हैं जिनके फलों से हम वो खाने काबिल नहीं होते हैं, उनसे हम बना सकते हैं। सो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में वी यूज नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है, नॉन फूड क्रॉप। तो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल ऑल्सो एम्ड एट बींग मोस्ट कॉस्ट कॉम्पिटेटिव इन रिलेशन टू द एग्जिस्टिंग फ्यूल। अब यहां पर एक चैलेंज जो हमको लगातार फेस करने को मिलता है कि इसकी कॉस्ट, इसको बनाने की कॉस्ट एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल की कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो अमूमन हो जाती है। लाइफ साइकिल असेसमेंट अगर सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल का करें तो यह इंडिकेट करता है कि दे विल इंक्रीज द पॉजिटिव नेट एनर्जी गेन, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव नेट एनर्जी गेन तो नहीं होगा, इसमें पॉजिटिव नेट एनर्जी गेन यहां पर दिखाई पड़ता है, ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ओवरकमिंग अनदर मेन लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्यूल। तो फर्स्ट जनरेशन फ्यूल की जो प्रॉब्लम है नेट, जो नेगेटिव नेट एनर्जी गेन है उसको दूर करता है, ये पॉजिटिव नेट एनर्जी गेन है। तो ये याद रखिएगा ये बात, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल नेगेटिव नेट एनर्जी गेन है, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल नॉन फूड क्रॉप से बनता है और पॉजिटिव नेट एनर्जी गेन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। पर इसमें एक चीज देखी जाती है कि इसके प्राइसेस जो है वो अमूमन हमारा जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल फ्यूल है, पेट्रोलियम वगैरह है, उससे इसके प्राइस कम नहीं होते हैं, क्योंकि इन क्रॉप्स को पैदा करने में या नॉन फूड क्रॉप्स को संचालित करने में उतना ही पैसा या उससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल आया, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल की अगर बात करें तो इसमें क्या यूज होते हैं, इसमें स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड एनर्जी क्रॉप्स लाइक एल्गीज, कुछ स्पेसिफिक टाइप के शैवालों का प्रयोग किया जाता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बायोफ्यूल बनाने के लिए ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, बायोफ्यूल बनाने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। द एल्गीज आर कल्चर्ड टू एक्ट एज अ लो कॉस्ट, पैसा इनमें कम लगेगा क्योंकि आराम से ओशन में आपको एल्गीज मिल जाएंगी, हाई एनर्जी एंड एंटायरली रिन्यूएबल फीड स्टॉक, ठीक है, रिन्यूएबल फीड स्टॉक है, ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इट इज प्रिडिक्टेड दैट द एल्गीज विल हैव द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी पर एकर देन कन्वेंशनल क्रॉप। अब इसमें एक चीज दिखाई पड़ रहा है, कन्वेंशनल क्रॉप से हम जितना बायोफ्यूल बनाते हैं उतना ही पर एकर में अगर हम एल्गीज को पैदा करते हैं और इनसे बायोफ्यूल बनाते हैं तो इनसे ज्यादा अमाउंट में बायोफ्यूल बनेगा। तो ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ फ्यूल सच एज डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल, ये सब भी एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल से बनाए जा सकते हैं, जबकि फूड क्रॉप से जो बायोफ्यूल बनेगा उसको हम जेट फ्यूल के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब जो हवाई जहाज वगैरह में भरा जाता है उस ईंधन के तौर पर उस बायोफ्यूल को हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसको जेट फ्यूल के तौर पर भी यूज कर। ये सारे डिफरेंस आप समझे रहिएगा, यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन जरूर बना सकता है, ठीक है। तो ये जेट फ्यूल के तौर पर भी यूज हो सकता है एंड इट इज पोटेंशियली कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल। अब देखो क्या है कि इसको, इसके उत्पादन में कार्बन का एमिशन नहीं होगा, ठीक है, और इसके उत्पादन के दौरान आप अगर देखो तो पेड़ पौधे जब बड़े होते हैं तो पेड़ पौधे भी कार्बन को एब्जॉर्व करते हैं ना, तो ये जितना कार्बन को एब्जॉर्व करेगा एल्गीज जितना कार्बन को वो एब्जॉर्व करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही वो क्या बनाते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, तो एल्गीज जितने ज्यादा अमाउंट में, मैंने आपको बताया था जितना भी पेड़ पौधे वाटर एरिया में होते हैं, वेटलैंड एरिया में होते हैं, वो ज्यादा कार्बन को अवशोषित करते हैं, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन बोलते हैं। सो द कार्बन एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉटरी प्लांट्स, वॉटर के जो प्लांट्स हैं उनके द्वारा जो कार्बन एब्जॉर्ब होता है उसको ब्लू कार्बन कहते हैं, एंड दे हैव द मोर पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब द कार्बन। तो ये अपने लाइफ स्पैन के दौरान, बड़े होने के दौरान, पैदावार के दौरान ये ज्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे इन कंपेरिजन टू जब ये फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा उसमें वो कम कार्बन को उत्सर्जित करेंगे। तो अपनी पैदावार के दौरान ज्यादा कार्बन अवशोषित किया और फ्यूल के तौर पर जब ये यूज हो रहे हैं तो कम कार्बन एमिट करेंगे, तो ये क्या होगा, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग एक तरीके से कार्बन न्यूट्रलिटी को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
कार्बन न्यूट्रलिटी को प्रेजेंट करते हैं। ये एल्गीज की सबसे अच्छी बात है, एक एकड़ एरिया में ये ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ज्यादा एनर्जी फ्यूल होगा इनका, क्योंकि उसको हम जेट में भी यूज कर सकते हैं। ये सब थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल का पॉजिटिव पॉइंट है। देन वी टॉक अबाउट द फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल एट द बायोफ्यूल इट इज एम्ड नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एनर्जी बट ऑल्सो द कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग द CO2। इसमें मेन उद्देश्य क्या होता है, ये देखा जाता है ऐसे फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल बनाने के लिए जिन जिन बायोमास का हम प्रयोग करें वो बायोमास अपने लाइफ स्पैन के दौरान बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोस्फियर से एब्जॉर्ब कर ले। तो कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग CO2, बायोमास मटीरियल विच हैव बीन एब्जॉर्ब CO2 वाइल ग्रोइंग, अपने ग्रोथ के दौरान जो CO2 उसने एब्जॉर्ब किया है आर कन्वर्टेड इनटू फ्यूल यूजिंग द सेम प्रोसेस एज सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है। तो इसमें एक चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है कि ग्रोथ के दौरान बड़ी मात्रा में वो प्लांट ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे। दिस प्रोसेस डिफर्स फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन प्रोडक्शन एज, अब जैसे मान लीजिए गेहूं से, तो गेहूं से अगर आप बायोफ्यूल बनाते हैं, ठीक है, या कौन गन्ने से बायोफ्यूल बनाते हैं, तो गन्ने का पौधा अपने ग्रोथ के दौरान उतना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं करेगा जितना वो फ्यूल बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा। बात समझ रहे हैं? तो एमिशन उसमें ज्यादा है, इसलिए उसमें नेट नेगेटिव नेट एनर्जी गेन है फर्स्ट जनरेशन वाले में, ठीक है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड यूजिंग द प्रोसेस सच एज ऑक्सीफ्यूल कंबशन, ठीक है। तो इसमें यह भी देखा जाएगा कि बायोफ्यूल जो इससे फोर्थ जनरेशन वाले में हमने बनाया वो एमिशन बहुत कम करे, एब्जॉर्प्शन ज्यादा करे, एब्जॉर्प्शन ज्यादा करे, ताकि हमारी एक प्रॉब्लम वो भी दूर हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से हटाया भी जा सके। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी जियोसिक्वेस्टर्ड। जियोसिक्वेस्टर्ड का मतलब क्या होता है कि जब हम धरती पे जो पेड़ पौधे उगा रहे हैं उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो तो उसे जियोसिक्वेस्टरिंग बोलते हैं। बाय स्टोरिंग द ओल्ड ऑयल एंड गैस फील्ड सलाइन एक्वाफर, ठीक है, वहां से कार्बन को वो अवशोषित कर ले। दिस कार्बन कैप्चर मेक फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल प्रोडक्शन कार्बन नेगेटिव। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जो है ना सिर्फ कार्बन न्यूट्रल है बल्कि ये कार्बन नेगेटिव है। ये ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेगा और बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के फ्यूल को ऑक्सी बायो फ्यूल कंबशन टेक्नोलॉजी में यूज किया जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऑक्सी बायोफ्यूल कंबशन टेक्नोलॉजी फोर्थ जनरेशन में आपको यूज करनी है। जब आप फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल यूज करें तो आपको गाड़ियों में और विभिन्न जगहों पर ऑक्सी बायोफ्यूल कंबशन टेक्नोलॉजी, अभी ये वाला जो जनरेशन फ्यूल है ये हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास नहीं है, पर ये हमारा टारगेट है आने वाले टाइम में। सो दिस सिस्टम नॉट ओनली कैप्चर एंड स्टोर द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बट ऑल्सो रिड्यूस द CO2 एमिशन बाय रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है। ये पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल को जब रिप्लेस कर देगा तो ज्यादा अवशोषित करेगा और कम उत्सर्जित करेगा। इस एक स्लाइड में यहां पर दिया गया है, और ऐसे बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है बनाई जाएंगी जो अपने ग्रोथ के दौरान, अब जैसे एक बड़ा प्लांट है वो अपनी ग्रोथ के दौरान, अगर प्लांट बड़ा है, ठीक है, वो अपनी ग्रोथ के दौरान बहुत सारा कार्बन अवशोषित करेगा, और उसके फ्रूट से जब हम बायोफ्यूल बनाएंगे, ठीक है, उसके फ्रूट से बायो, क्योंकि खाने वाला फ्रूट नहीं है, उसके फ्यूल फ्रूट से जब हम बायोफ्यूल बनाएंगे तो बहुत सारा कार्बन इसने अवशोषित किया हुआ, एमिशन बहुत कम होगा, तो ये कार्बन नेगेटिव होगा, ठीक है। थर्ड जनरेशन कार्बन न्यूट्रल होता है। फोर्थ जनरेशन सेकेंड जनरेशन जो है ये वुड वगैरह से, इसमें फूड क्रॉप की बचत होती है, और फर्स्ट जनरेशन में फूड क्रॉप जो है वो क्या होता है, नुकसान होता है फूड क्रॉप का। तो इसमें हाई कार्बन कंटेंट है फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में उससे कम है, ग्रीन हाउस गैस कंटेंट लेस देन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से इसमें कम है, पर ये भी पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल नहीं है। थर्ड वाला कार्बन न्यूट्रल है और फोर्थ वाला कार्बन नेगेटिव है, ठीक है, कार्बन नेगेटिव है, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखने हैं कि चारों जनरेशन बायोफ्यूल में क्या क्या अंतर है, ठीक है, और इसके फायदे क्या हैं। तो एडवांटेज ऑफ बायोफ्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेस फार्मेबल है, ठीक है, कुछ एडवांटेज ऑफ लेस फ्लेमेबल है, फ्लेमेबल मतलब लेस फ्लेमेबल, मेड फॉर फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। तो इसमें
अगर हम देखें तो जैसे फॉसिल फ्यूल है उसमें आग लगने का जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार एक्सीडेंट्स भी उससे ज्यादा होते हैं, इससे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। इंक्रीज द लाइफ ऑफ व्हीकल, ठीक है, ये हाई सीटेन, ठीक है, दे हैव हाई सीटेन एंड बेटर ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज, ये इससे फॉसिल फ्यूल से ज्यादा ल्यूब्रिकेटिंग होता है, तो इससे इंजन का लाइफ जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इंजन का लाइफ ज्यादा बढ़ जाता है, लेस कार्बन एमिशन होगा, बायोफ्यूल यूज करने से लेस कार्बन एमिशन होगा। जैसे अभी हमने देखा, स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि बायोफ्यूल रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन कितना, 65% तक ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल से हम कम कर सकते हैं, ठीक है, तो बायोफ्यूल से हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कार्बन का ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इजी टू सोर्स, बायोफ्यूल्स आर मेड फ्रॉम मेनी डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज मेन्यूर, वेस्ट क्रॉप्स, कॉर्न, ठीक है, सोयाबीन, एल्गीज प्लांट, इनसे बना सकते हैं, तो इजी टू सोर्स। अब वहीं अगर हम देखें पेट्रोलियम की बात करें, ठीक है, जियो सिक्वेस्टर का मीनिंग, सिक्वेस्टरिंग का मतलब होता है धीरे 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 कार्बन को अवशोषित करना, तो जब एक प्लांट जो है जिसकी लाइफ बड़ी होती है, ठीक है, कोई प्लांट से मान लीजिए पीपल का प्लांट है, उसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, तो अपने पूरे लाइफ के दौरान जो है वो बहुत ज्यादा कार्बन अवशोषित करेगा ना, पर वो धीरे धीरे करेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करता जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होगा, पत्तियों की संख्या बड़ी होगी और ज्यादा अवशोषित करेगा। तो जियो सिक्वेस्टरिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी पर उगने वाले पौधे जो धीरे धीरे कार्बन को अवशोषित करते हैं, दिस इज कॉल्ड जियो सिक्वेस्टरिंग। सिक्वेस्टरिंग का मतलब होता है उसको धीरे धीरे अवशोषित करना, ठीक है, सो इजी टू सोर्स है। अब जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल को निकालना काफी टफ है ना, टेक्नोलॉजी हमको चाहिए बहुत ज्यादा, फिर रिफाइनिंग के लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं, वहीं इसके लिए रिफाइनिंग रिफाइनिंग का प्लांट लगाने का जरूरत नहीं, केवल एक सिंपल प्लांट से ही बायोफ्यूल प्रोडक्शन हो सकता है, तो इजी टू सोर्स, इसको प्राप्त करना जो है वो आसान है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो जस्ट मिनट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो जब हम बायोफ्यूल बनाएंगे तो इसमें जॉब्स भी क्रिएट होंगी, है ना, जॉब्स क्रिएट होंगी, इफ मोर पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स बायोफ्यूल द कंट्री कैन रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता कम हो जाए, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो फ्यूल का भी डिमांड हमारा बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन की डिपेंडेंस कम हो जाएगी फॉसिल फ्यूल पर, और जब फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंस कम होगी तो हमारा फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, और हमारा सारा का सारा पैसा, भारत का सबसे ज्यादा जो है इंपोर्ट, फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने में भारत का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, फॉरेक्स रिजर्व खर्च होता है, ठीक है। फ्यूलिंग होम बिजनेस व्हीकल विद बायोफ्यूल आर लेस एक्सपेंसिव देन फॉसिल फ्यूल, से कम एक्सपेंसिव होगा। उसके अलावा मोर जॉब्स विल क्रिएटेड विद द ग्रोइंग बायोफ्यूल इंडस्ट्री विच विल कीप द इकोनॉमी सिक्योर, तो ये इसके इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक है। पॉल्यूशन लेवल पर देखें तो बायोफ्यूल जो है ये कम पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है, तो लोगों को हेल्थ बेनिफिट भी होंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता होगा और हेल्थ बेनिफिट भी लोगों को होंगे। कॉस्ट बेनिफिट देखें तो इनका प्रोड्यूसिंग कॉस्ट जो है वो फॉसिल फ्यूल से कम पड़ता है, ठीक है, कैसे कॉस्ट, हर तरीके की कॉस्ट, एक तो इनका प्रोडक्शन सस्ता होगा, ठीक है, इनको बनाया जाना सस्ता होगा, उसके साथ साथ इनसे जब एमिशन नहीं होगा तो लोग बीमार नहीं होंगे, तो मेडिकल कॉस्ट नहीं आएगी, है ना। अगर आप देखें हर 5 में से एक डेथ एयर पोल्यूशन से हो रही है, और वो एयर पोल्यूशन फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, ठीक है, तो वो डेथ भी हम रिड्यूस कर पाएंगे, तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा है, मेडिकल कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। अब जब लोग अगर एयर पोल्यूशन की वजह से वो उनको लंग कैंसर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनका पैसा खर्च होगा, तो मेडिकल कॉस्ट को भी ये इंक्रीज डिक्रीज करेगा। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज यहां पर देख लेते हैं। सो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्यूचर प्राइस, अब एक चीज यहां पर समझे, अभी पीछे हमने बात की कि लो कॉस्ट होगा, ठीक है, पर यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हाई कॉस्ट है, क्यों, क्योंकि अभी इसको हम बहुत बड़े स्तर पर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इस एक पेन को बनाने के लिए मैंने एक प्लांट लगाया, तो प्लांट का तो उतना ही खर्चा है, पर बनाया सिर्फ एक पेन, उसके बजाय अगर मैंने लाखों बनाए तो क्या होगा, कॉस्ट मेरी कम आ जाएगी, तो अभी ये हाई कॉस्ट पड़ रहा है, पर धीरे धीरे इन फ्यूचर जो है वो क्या होगा, कम कॉस्ट इनकर करेगा, ठीक है। सो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब बायोफ्यूल आर क्वाइट एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इन करंट मार्केट, करंट मार्केट में क्यों, क्योंकि अभी बायोफ्यूल का डिमांड ही नहीं ज्यादा है, जब डिमांड ज्यादा नहीं है तो महंगा पड़ेगा ना ये, ठीक है। अभी इसकी इस
10 पेन की डिमांड है, इसके लिए मैंने प्लांट लगाया और हर साल 10 पेन बेच रहा हूं, पर उसके बजाय डिमांड अगर इसकी बढ़ जाए और इसके लाखों करोड़ों में हर साल डिमांड होने लगे, तो उसको फुलफिल करने के लिए उसी मशीन से मैं उतना ज्यादा बना सकता हूं और वही कॉस्ट मेरी कम होती चली जाएगी। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल अभी अचीव नहीं कर पाया है ड्यू टू द लेस डिमांड इन द मार्केट फॉर द बायोफ्यूल। द इंटरेस्ट एंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बीइंग पुट इनटू बायोफ्यूल प्रोडक्शन इज फेयरली लो। कम लोग इसमें आगे आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अभी बहुत कम ही इसमें हाथ रख रही हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंटली राइजिंग प्राइस मे मेक द यूज ऑफ बायोफ्यूल एज हार्श, ठीक है। और अगर देखें तो जिस तरीके से फ्यूल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो बायोफ्यूल के प्राइजेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये अभी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं प्रेजेंटली, पर इन फ्यूचर ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है, ठीक है, डेफिनेटली बायोफ्यूल से कार्बन एमिशन कम होगा, पर कार्बन एमिशन होगा, कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बायोफ्यूल इज लेस देन द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बायोफ्यूल, उससे कम है। हाउएवर द प्रोसेस विद विच दे आर प्रोड्यूस मेक अप, ठीक है, जिस प्रोसेस हम इसे बनाएंगे तो कुछ ना कुछ पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जनरेट होगा। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मेंट फॉर चर्निंग आउट बायोफ्यूल आर नोन टू एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एमिशन, जब इसको लार्ज स्केल पर हम बनाएंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया में एमिशन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखें इट ऑल्सो कॉज नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह का भी पॉल्यूशन ये क्रिएट करेगा, ठीक है। चेंजेस इन लैंड यूज, ठीक है, लैंड यूज में चेंज हो सकता है, कैसे, ज्यादातर लोग जब बायोफ्यूल वाली क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट करने लगेंगे तो हो सकता है कि फूड क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाए, तो लैंड यूज पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। बायोफ्यूल प्रोडक्शन कैन इनकरेज द मोनोकल्चर, और अगर सॉइल की फर्टिलिटी हमको बना करके रखना है तो मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए बल्कि क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। अब यहां पर क्या होगा, वही क्रॉप उगाते रहेंगे और मिट्टी जो है वो खराब होगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि इससे सॉइल डिग्रेडेशन भी हो सकता है अगर ये मोनोकल्चर को प्रमोट करता है। इफ द लैंड इज यूज टू ग्रो बायोफ्यूल फीड स्टॉक इट हैज टू बी क्लियर्ड ऑफ नेटिव वेजिटेशन, ठीक है, इससे क्या होगा, पेड़ों को भी काटा जा सकता है लैंड को क्लियर करने के लिए, तो इकोलॉजिकल लॉसेस और इकोलॉजिकल डैमेजेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, तीन तरीके से। फर्स्ट क्या है, द डैमेज इज कॉज्ड बाय डिस्ट्रॉइंग लोकल हैबिटेंट एंड रिड्यूस द ओवरऑल हेल्थ एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेटिव फॉरेस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज बेटर होते हैं CO2 को रिमूव करने के लिए, पर अगर हम बायोफ्यूल वाली फसलों को उगाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि पार्टली बिकॉज ऑफ CO2 रिमेन ट्रैप्ड, जो जैसे मान लीजिए हमने इस जगह को साफ करना है, अब यहां पर 1000 पेड़ है, इनको काट के हमने साफ किया, अब पेड़ों की लकड़ी कहां जाएगी, या तो वो बायोफ्यूल बनाने में या तो उसको जलाने के काम में यूज किया जाएगा, तो वो जो हमने पेड़ काटे उन्होंने अपने जीवन के दौरान बहुत सारा CO2 एब्जॉर्व किया था ना, और आगे भी एब्जॉर्व करते, ठीक है, तो वो तैयार फसल हमने खत्म कर दी। अब जो नई फसल वहां पे उगाएंगे उसको तैयार होने में समय लगेगा, तो उस टाइम पीरियड के दौरान CO2 का एमिशन जो होगा उसको कौन एब्जॉर्व करेगा, है ना, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो वहां पर यहां पर देखा जा सकता है। सेकेंडली द डैमेज इज डन इन द कार्बन डेट क्रिएटेड, ठीक है, तो उस टाइम स्पैन में जो होगा ये एस्टिमेट किया गया है, एस्टिमेट्स हैव शोन दैट द डिस्ट्रॉइंग नेटिव लैंड कैन एक्चुअली प्रोड्यूस अ कार्बन डेट, ठीक है। मान लीजिए कि हमने बड़े बड़े पेड़ काट दिए, अब नई फसल वाले पेड़ को उगाने में 5 साल लगेगा, तो उस 5 साल में हम कार्बन क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एमिशन कर लेंगे, उसको एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट नहीं होंगे, तो कार्बन डेट क्रिएट हो जाएगा। फाइनली द चेंजिंग लैंड टू एन एग्रीकल्चर स्टेटस ऑलमोस्ट ऑलवेज मींस फर्टिलाइजर यूज होंगे, फर्टिलाइजर्स आर ग्रोइंग टू बी यूज्ड, गेट द मोस्ट यील्ड इन द एरिया, द प्रॉब्लम ऑफ रन ऑफ एंड अदर एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन जो है वो यहां पर हो सकता है जब हम उन फसलों को उगाएंगे जो बायोफ्यूल वाली है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर क्रिएट हो सकती हैं। बायोफ्यूल इज लेस सुटेबल फॉर द यूज इन लो टेम्परेचर। अब एक नेगेटिव पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि बहुत लो टेम्परेचर एरियाज हैं, जैसे मान लीजिए लेह लद्दाख है, ठीक है, ये साइबेरियन रीजन है जहां पर बहुत ठंड पड़ती है, ऐसे ठंडे एरियाज में बायोफ्यूल जो है वो लो टेम्परेचर पर ठीक से कंबशन नहीं करेगा, तो गाड़ियां बंद हो जाएंगी, इंजन क्लॉग हो जाएगा, ठीक है, सो इट इज मोर लाइकली टू अट्रैक्ट मॉइस्चर देन फॉसिल डीजल,
ठीक है, फॉसिल डीजल से ज्यादा इसमें मॉइस्चर अट्रैक्ट होगा, विच क्रिएट प्रॉब्लम इन कोल्ड वेदर। इट ऑल्सो इंक्रीज माइक्रोबियल ग्रोथ। बायोफ्यूल में क्या हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, जैसे कीड़े पड़ सकते हैं उसमें, ठीक है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, विच कैन क्लॉग द इंजन एंड फिल्टर ऑफ द इंजन, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और नेगेटिव एस्पेक्ट ये आप याद रखिए बायोफ्यूल का, कि ये बहुत कम टेम्परेचर जिन जगहों पर होता है वहां पर बायोफ्यूल अच्छे से काम नहीं करेगा। सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है, वहां पर बायोफ्यूल अच्छे से काम नहीं। एवोल्यूशन ऑफ इंडिया में बायोफ्यूल का एवोल्यूशन, तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 आई थी, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसका ये टारगेट है कि हमको आने वाले टाइम में 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल करना है, ठीक है। मतलब जो फॉसिल डीजल है उसमें 5% बायोडीजल मिलाना है, ठीक है। बायोडीजल बनाया जा सकता है जतरोपा और जोजोबा के प्लांट से, बायोडीजल बनाया जा सकता है, ठीक है। और 20% एथेनॉल, एथेनॉल किसमें मिलाया जाएगा, पेट्रोल में, याद रखिए, ये किसमें मिलाया जाएगा, पेट्रोल में, ये पेट्रोल में मिलाया जाएगा, ठीक है। एथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिलाया जाएगा, ये टारगेट जो रखे गए हैं, और ये वैसे 2030 तक अचीव करने के, पर भारत सरकार बड़ी जल्दी इनको अचीव करने के मोड में लगी हुई है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोफ्यूल, इतनी चीजें आप याद रखिएगा। नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल के जो सेलियंट फीचर है, मेन फीचर, वो मैंने इस यहाँ पर डाल दिए हैं, इसको आपको इतना याद करने की जरूरत है, ये मेंस के एस्पेक्ट से आपको ये लिखने के लिए रहेगा, तो जब हम मेंस का करेंगे तो भी ये पॉइंट्स हम वहां पर फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल है इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो बायो एथेनॉल बहुत कॉमन है, ठीक है, कॉमन बायोएथेनॉल, बायोएथेनॉल या एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, ये इसका फॉर्मूला है, इसको किसमें मिलाते हैं, जिसको हम कॉमन एल्कोहल भी कहते हैं, जो वाइन वगैरह शराब वगैरह में भी पाया जाता है, जो कॉमन एल्कोहल कहते हैं, इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्टार्च एंड शुगर क्रॉप्स, ठीक है। और इसको हम किसमें ब्लेंड करेंगे, पेट्रोल में, याद रखिए। बायोएथेनॉल को आप डीजल में ब्लेंड नहीं कर सकते हैं, बायोएथेनॉल को आपको किसमें ब्लेंड करना है, इसको आपको ब्लेंड करना है पेट्रोल में। बायोएथेनॉल इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन, ठीक है, रिएक्टिंग एथिलीन विद स्टीम, ठीक है। तो एथेनॉल इज अ क्लियर कलर्ड लिक्विड, एकदम पानी के जैसा, वाटर के जैसा होता है, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ पेट्रोल में मिला सकते हैं, ठीक है। एथेनॉल जब पेट्रोल में मिल जाएगा, या बायोएथेनॉल जब पेट्रोल में मिल जाएगा, तो उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देगा, मतलब अब पेट्रोल जो होगा, बायोएथेनॉल मिक्स जो पेट्रोल होगा, वो हाई कंबशन वैल्यू रखेगा। इसके अलावा बायोडीजल की बात करें, बायोडीजल क्या है, बायोडीजल क्या है, सो इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसटेरिफिकेशन, ठीक है, ट्रांसस्टेरिफिकेशन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सीधे भी पूछा जा सकता है सीधे, कि ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में स्टेटमेंट दे, ट्रांसस्टेरिफिकेशन, रट लीजिए ये टर्म, ट्रांसस्टेरिफिकेशन, ठीक है। ट्रांसस्टेरिफिकेशन, बायोडीजल मेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज वेजिटेबल प्लांट्स एनिमल ऑयल, ठीक है, इनसे बनाया जाएगा। वेजिटेबल ऑयल जो है, जैसे ट्राइग्लिसराइड फैट है, उससे भी बनाया जा सकता है। बायोडीजल कंप्राइज ईस्टर एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या करते हैं, टू मेक बायोडीजल, फैट इन वेजिटेबल ऑयल ट्राइग्लिसराइड इज रिएक्टेड विद एल्कोहल, ठीक है, याद रखिए। ट्रांसस्टेरिफिकेशन का मतलब है कि ट्राइग्लिसराइड या वेजिटेबल ऑयल को एल्कोहल के साथ में मिक्सिंग कराना, ठीक है, मिक्सिंग, उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं और उसका मिक्सिंग कराते हैं, ठीक है। यूजुअली उससे क्या बनता है, मेथनॉल बनता है, क्या बनेगा, मेथनॉल बनेगा। इन दिस रिएक्शन ग्लिसरीन या ट्राइग्लिसराइड इज रिप्लेस्ड बाय मेथनॉल टू प्रोड्यूस मेथिल ईस्टर, ठीक है। तो बायोडीजल का अगर केमिकल नाम का बोलें तो क्या है, यह है मेथिल ईस्टर। मेथिल ईस्टर में क्या क्या होता है, एक तो एल्कोहल होता है, ठीक है, या आप कहें मेथेनॉल होता है, और ट्राइग्लिसराइड के साथ में एल्कोहल को मिक्स करके बनाया जाता है, इसी को ही ट्रांसस्टेरिफिकेशन कहते हैं,
ठीक है। इसी प्रोसेस को ट्रांस स्टेरिफिकेशन कहते हैं। इसको रट लीजिएगा। इसके लिए कौन कौन से प्लांट यूज कर सकते हैं, जैसे जत्रोपा सबसे बेहतर प्लांट होता है, ठीक है, जत्रोपा सबसे बेहतर प्लांट होता है। एक प्लान रखा गया था कि हमारे रेलवे ट्रैक्स जहां पर, रेल लाइंस जहां पर हैं, उसके आसपास काफी जमीन खाली रहती है, ठीक है, जो रेलवे के कैप्चर में रहती है, उस जमीन में हम जत्रोपा के प्लांट्स किनारे किनारे लगा सकते हैं। और जत्रोपा के बीज से बनाया जाता है, ठीक है, जत्रोपा में 40% तक ऑयल होता है, ट्राइग्लिसराइड ऑयल होता है, जिसको हम एल्कोहल के साथ में मिक्स करके बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको ट्रांस स्टेरिफिकेशन कहते हैं। फिर याद रखिए, तो अगर हम बोलें तो बायोडीजल क्या है, बायोडीजल है मेथिल ईस्टर, मेथिल ईस्टर बायोडीजल, ठीक है। और पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है बायो इथेनॉल, इसमें मिलाया जाता है मेथेनॉल। ये डिफरेंसेस याद रखिएगा, ठीक है, डिफरेंसेस याद। बायोगैस क्या है, बायोगैस क्या है, बायोगैस एक तरीके से जितना भी सड़ा हुआ वेस्ट, गोबर वोबर होता है, इन सब का एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसमें से जो गैस निकलती है, सड़ने पर जो गैस निकलती है, उसको हम बायोगैस कहते हैं। ये प्राइमरली क्या होती है, मीथेन होती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। सो ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, और प्लस क्या है, ये हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करती है। जस्ट अ सेकंड, ये हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करती है। फिर बायोब्यूटेनॉल क्या है, व्हाट इज बायोब्यूटेनॉल, इस बार बायोगैस से क्वेश्चन आने की संभावना, बायोफ्यूल से क्वेश्चन आने की संभावना काफी है। बायोब्यूटेनॉल क्या है, तो बायोब्यूटेनॉल जो है ना, बायोब्यूटेनॉल इज ए फोर कार्बन एल्कोहल प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। तो बायोब्यूटेनॉल भी बायोमास के फर्मेंटेशन समझते हैं, किण्वन, हिंदी में इसको बोलते हैं किण्वन, जैसे बियर वगैरह भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जाती है। सो द प्रोडक्शन ऑफ बायोब्यूटेनॉल कैन बी कैरीड आउट, एथेनॉल प्रोडक्शन जैसे होता है, उसी तरीके से बायोब्यूटेनॉल का भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हाउएवर, लो एनर्जी कंटेंट इसमें है, ऑन एन एवरेज 10-20% लेस देन गैसोलीन से, जो गैसोलीन क्या होता है, जो हम सीएनजी वगैरह यूज करते हैं, या यूएस में पेट्रोलियम को गैस बोलते हैं, तो गैसोलीन से इसमें 10-20% एनर्जी कम होती है। इस वजह से बायोब्यूटेनॉल जो है, ये हमारा प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं होता है जिसको हम बायोफ्यूल के तौर पर यूज करें। फिर बायोहाइड्रोजन, ठीक है, बायोहाइड्रोजन, सो बायोहाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग अ नंबर ऑफ प्रोसेस लाइक पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस ऑक्सीजन के एब्सेंस में किसी चीज को जलाना, पायरोलिसिस या गैसिफिकेशन, ठीक है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर में हम किसी चीज को गैसिफाई कर देते हैं, तो गैसिफिकेशन, इस प्रोसेस से बायोहाइड्रोजन निकलता है, इसको हम कैप्चर कर सकते हैं। सो बायोहाइड्रोजन कुड बी कंसीडर्ड एज वैल्यूएबल ऑल्टरनेटिव फॉर फॉसिल फ्यूल, ये भी एक वैल्यूएबल सोर्स हमारा हो सकता है। और वैसे भी गवर्नमेंट जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में काफी बात कर रही है, मैंने आप लोगों को तमाम टाइप के हाइड्रोजन फ्यूल भी बताए थे, ठीक है, जैसे येलो हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो बायो हाइड्रोजन एक ग्रीन हाइड्रोजन कैटेगरी में आने वाली हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आप सारे पॉइंट्स बायोफ्यूल के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कोल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन को मैंने आपको उसमें भी बताया है कि कोल गैसिफिकेशन कैसे करते हैं, जब हम कोल के कार्बन को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। अब ये क्यों न्यूज में आया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए टारगेट सेट किए हैं, जिसमें इंडिया एम्स टू अचीव 100 मीट्रिक टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन टारगेट बाय 2030, ठीक है। 100 मीट्रिक टन कोयले को हम गैसिफाई करेंगे, उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो गैसिफिकेशन का प्रोसेस, अभी जैसे हमने बोला कि गैसिफिकेशन क्या होता है, सो गैसिफिकेशन इज अ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस अंडर विच वी कैन कन्वर्ट द कार्बोनिफेरस, ठीक है, कार्बोनिफेरस या कार्बोनिफेरस टाइम का जो कोल है उसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं उस कोल को, और उसको फ्यूल गैस में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम सिन गैस भी कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को जियोग्राफी में जब हम नेचुरल गैस पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था, कोयले को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उस गैस को क्या कहते हैं, सिन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा।
ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सिन गैस, जब हम कोयले को गैस में कन्वर्ट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, इसको करने का प्रोसेस क्या है, तो गैसिफिकेशन अकर्स इन गैसिफायर जनरली हाई टेम्परेचर और प्रेशर वेसल, जैसे पीछे भी अभी मैंने बोला कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर, वेयर ऑक्सीजन या जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग एयर है, ऑक्सीजन स्ट्रीम्स आर डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड विद द कोल और अदर फीड मटीरियल, कॉजिंग सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन टू अकर दैट कन्वर्ट द फीड इनटू सिन गैस। अब इसमें ऐसा समझ लीजिए, इसमें स्लज वगैरह भी निकलेगा। अब मान लीजिए कि नीचे यहां पर कोल है, ठीक है, यहां पर कोल है, धरती के यहां पर नीचे कोल है, तो यहां पर हमने एक टनल बनाई, मतलब एक बोरिंग के जैसा किया। इस बोरिंग वाली जगह पर हम हेवी प्रेशर से वाटर ठीक है, एडेड ऑक्सीजन को बहुत प्रेशर के साथ में यहां से पंप करते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, इसको रिवर्स बोरिंग कहते हैं। तो इसको हम बहुत तेजी से प्रेशर के साथ में यहां पर पंप करते हैं। अब ये ऑक्सीजन और वाटर जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर में हाइड्रोजन होता है और इसमें कार्बन होता है, तो ये CH4 मीथेन के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्डिंग कर लेगा, इसका कार्बन C और वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है इस बॉन्डिंग करने में मदद करेगा, ऑक्सीजन डिग्रेड करने का काम करता है। तो यहां पर सिन गैस क्रिएट होगी जिसको दूसरी बोरिंग से बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक है, तो इनपुट का अलग बोरिंग होगा, आउटपुट का अलग बोरिंग होगा। इस प्रोसेस को हम गैसिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें इस गैसिफिकेशन के प्रोसेस में क्या क्या निकलेगा, तो नेचुरल गैस हमारी निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी, हाइड्रोजन भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। इन मटेरियल्स को इनको कैप्चर कर लेना है, इनको एनवायरमेंट में रिलीज होने नहीं देना है, और सिन गैस को जो हमारा नेचुरल मीथेन गैस के रूप में निकलेगा उसको हमको कैप्चर कर लेना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने लगभग एक साल में 2030 तक ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है, 2030 तक ये टारगेट अचीव करना है कि लगभग 100 मीट्रिक टन कोयले को हम हर साल सिन गैस में कन्वर्ट करके। अब उसमें क्या है, कोयले का जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला अनुपात है उसको हमने क्या किया, उसको कैप्चर करके अंदर ही स्टोर रहने दिया, और उसका जो उससे जो मीथेन रिएक्शन बना, रिएक्शन से जो मीथेन बनी, उस मीथेन को हमने निकाल लिया और उसको हम वहां पर यूज कर रहे हैं। तो कोयले का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो खत्म हो गया, वो अंदर ही बना रहा है ना, कोयला निकालते हैं हम, जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बड़ी मात्रा में, तो वो नहीं निकलेगी अब सिर्फ और सिर्फ हम उसको गैसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सिन गैस क्या है, सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब इसमें मिक्स होगा, ठीक है, पर इन चीजों को हम कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो सिन गैस क्या है, ये अगर यूपीएससी पूछे तो याद रखिए, सिन गैस इज अ टर्म जनरली यूज फॉर मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस। अब इसमें क्या क्या मिक्स होता है सिन गैस में, ये मिक्स होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, सिन गैस का फिर क्लीनिंग किया जाता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड टू स्टीम और ऑक्सीजन गैसिफिकेशन और ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज बायोमास, ठीक है, इस प्रोसेस से जो निकलती है वही है। आफ्टर क्लीनअप, इसको क्लीन अप करते हैं, सिन गैस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज सिंथेटिक नेचुरल गैस, जिसमें मीथेन को हम सिर्फ यूज करते हैं, बाकी चीजों को सफाई करके अलग कर देते हैं। क्लियर है बात, सिन गैस क्या है, है ना। तो ये अभी तक ये क्वेश्चन में नहीं आई है, पर इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिन गैस के लिए टारगेट्स रखे हैं, तो हो सकता है यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज चेन्नमंगलम सारी, ठीक है, चेन्नमंगलम सारी। हम देखते हैं कि हर साल यूपीएससी जो है वो कुछ ना कुछ जीआई टैग से क्वेश्चन पूछता है, तो यहां पर जीआई टैग के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है ऑलरेडी, जीआई टैग कौन देता है, कितने साल के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे चेन्नमंगलम सारी कहां का जीआई टैग है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चेन्नमंगलम सारी को कोई अभी जीआई टैग नहीं मिला, उसको पहले जीआई टैग मिला है, पर वो न्यूज में क्यों रहा ये देख लीजिए, ठीक है। तो एक टर्म मैं यहां पर आपको बताऊंगा, ये टर्म ध्यान रखिएगा, केयर फॉर चेन्नमंगलम, जिसको C4C, ठीक है, ये टर्म अब यूपीएससी मान लीजिए ये लिख करके पूछ लिया, C4C इनिशिएटिव इज टेकन बाय, या कौन सा स्टेटमेंट C4C इनिशिएटिव के लिए सही है,
ठीक है। तो सी फॉर सी इनिशिएटिव जो है वो बेसिकली 2018 में जो केरला में फ्लड आया था, उस फ्लड के दौरान बहुत सारे मजदूर या छोटे कुटीर उद्योग के ओनर जो बेसिकली चेंदामंगलम साड़ी बनाते थे, ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ साड़ी है जिसके किनारे गोल्डन टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चेंदामंगलम साड़ी बनाने वाले वीवर्स जो थे उनका बहुत नुकसान हुआ उस फ्लड में, ठीक है। ऐसे वीवर्स को सपोर्ट देने के लिए केरला में ये चलाया गया है सी फॉर सी, मतलब केयर फॉर चेंदामंगलम, ठीक है। तो चेंदामंगलम को जीआई टैग कहां से है? केरला से है। सो जीआई टैग, जीआई टैग्ड चेंदामंगलम साड़ी इज रिकॉग्नाइजेबल बाय इसके बॉर्डर्स को, क्या बोलते हैं जो उसमें बॉर्डरिंग बनाई जाती है। आप थोड़ा गूगल करके इसका फोटो सर्च कर लीजिएगा, गोल्डन टाइप का बॉर्डर इसमें होता है या ग्रे कलर का बॉर्डर बनाया जाता है, जिसको हम पुली इलाकरा बॉर्डर कहते हैं, ठीक है, या पुली लाकरा बॉर्डर के लिए जानी जाती है, ठीक है। थिन ब्लैक लाइनिंग, ग्रे लाइनिंग, गोल्डन लाइनिंग उसमें की जाती है, ठीक है। तो ये मेनली अपने बॉर्डरिंग के लिए जानी जाती है चेंदामंगलम साड़ी, केरल में जीआई टैग है। इसके मजदूर 2018 के फ्लड में बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हुए, तो उनको सहारा देने के लिए सी फॉर सी प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है। सो ये बॉर्डर वगैरह और ये साड़ी बनाने के लिए आप देखिए क्या यूज होता है, फाइन कोकोनट कॉटन यान, कोकोनट के ऊपर जो छिलका होता है ना, रेशे होते हैं, उसमें से पतले पतले रेशे चुने जाते हैं, फाइन यान यूज किए जाते हैं, ठीक है। उनको कई तरीके से प्रोसेसिंग करके उससे ये डिजाइन, उससे ये साड़ी बनाई जाती है। सो इनो एक तरीके से कहें कि तो काफी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली साड़ी है ये, ठीक है। सो इनोवेशन आर कंसाइसली कन्फाइंड टू द ग्राफिक एज, ओवरऑल ये मतलब है कि बहुत अच्छे से इसको ग्राफिकली डिजाइन करके इस साड़ी को बनाया जाता है, ठीक है। एक तरीके से इस साड़ी में अब बॉर्डर, जरी वाले बॉर्डर भी बनाए जाते हैं जिनको कसाबू जरी बॉर्डर कहते हैं, तो कसाबू जरी बॉर्डर भी चेंदामंगलम साड़ी में बनाए जाते हैं। अदर जीआई टैग जो केरला में है, जैसे कासरगोड साड़ी है, ये भी केरल की साड़ी है और इसको जीआई टैग है। यहां पर पोकल्ली राइस है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही था, पोकल्ली राइस ये भी सॉल्ट टॉलरेंट है, ठीक है। ये चावल कहां पर उगा सकते हैं? जहां पर केरल के तटों के, और अब आप मुझे बताइए पोकल्ली राइस को और कहां पर उगाने का प्लान बनाया गया है, इसकी वजह से ये पोकल्ली राइस भी न्यूज में रहा है, याद करिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कहां पर पोकल्ली राइस केरल के अलावा, ये केरल का इंडिजिनस है, केरल में उगाया जाता है, पर केरल के अलावा अब इसको किस जगह पर उगाने का प्लान किया गया है? तो पोकल्ली राइस एक सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट है, मतलब अगर सागरीय खारे पानी खेतों में हो वहां पर भी हम इसको उगा सकते हैं पोकल्ली राइस को। तो पोकल्ली राइस को कहां पर और उगाया जा रहा है, ठीक है, आउट ऑफ केरला, ये आप आंसर करके बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया है। तो पोकल्ली राइस को भी यहां पर है, ठीक है। नीलांबूर टीक, ये टीक वुड है, इसको भी केरला में, और वायनाड रोबस्टा कॉफी है, ठीक है, तिरूर बीटल लीफ है, ये सब केरला के मेन जीआई टैग हैं। चेंदामंगलम साड़ी भी उनमें से एक है। वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड। वेस्ट बंगाल में पोकल्ली राइस को केरला के अलावा अब वेस्ट बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल सरकार ने इसको अपने यहां पर प्रोटेक्शन देने की बात कही है। वहां पर सुंदरबन के एरिया, तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर या इसको उगाया जाना स्टार्ट भी कर दिया गया है, तो उसकी वजह से पोकल्ली राइस न्यूज में था। जीआई टैग क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जियोग्राफिकल टेरिटरी, स्पेसिफिक टेरिटरी की वजह से ये दिया जाता है। 10 साल में इसको रिन्यू करना होता है। कौन इसको देता है? तो पेरिस कन्वेंशन के तहत ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट में ये प्रोटेक्टेड है, और आईपीआर के तहत भी प्रोटेक्टेड है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इसके तहत ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो इसको देता कौन है? WTO, ठीक है। जीआई टैग इज गवर्न्ड बाय WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो WTO के द्वारा गवर्न्ड जो एग्रीमेंट है या लॉ है, जिसको हम ट्रिप्स कहते हैं, उसके तहत जीआई टैग दिया जाता है। इन इंडिया जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्टर्ड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेटर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। भारत में भी इसके लिए है,
और सबसे पहले किसको जीआई टैग मिला भारत में, तो याद रखना है दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग मिला है 2004-05 में। ठीक है, तो भारत में 2003 में इसको लेकर के कानून बनाए गए थे, सितंबर 2003 से ये कानून कि जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन अब अंतरराष्ट्रीय तौर पर एक बार रिकॉग्नाइज होता है डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स के अंतर्गत, और फिर भारत में अगर वो भारत का है तो भारत में उसका रजिस्ट्रेशन होगा इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर एंड गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये कब 1999, और ये कब पावर में आया या इट केम इनटू फोर्स 2003 सितंबर से, और 2004-05 में पहला जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग को। हर 10 साल में जीआई टैग को रिन्यू किया जाता है। ठीक है, 10 साल का इसका पीरियड होता है। क्लियर है, ट्रेडमार्क याद रखिए जो ट्रेडमार्क है ना इसको भी हर 10 साल में रिन्यू किया जाता है। जीआई टैग और ट्रेडमार्क में अंतर है, जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर को दिखाता है। चलिए, समय हो गया है, इसको यहीं पर रोकते हैं। मीथेन हाइड्रेट वगैरह बचा है, ये सब हम कल कवर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। सेशन आप लोगों को पसंद आया हो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, फ्लडिंग एक्चुअली जहां पर पोर्ट एरिया में, तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल एरिया में टाइड आता है तो काफी सारा खारा पानी अंदर चला जाता है। ठीक है, अंदर आ जाता है, वहां पर पोकली राइस का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे, कल फिर हम लोग करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक और रह गए हैं जिनको कंप्लीट करना बाकी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बिंदु आपने क्या लिखा है ये? अच्छा, थैंक यू लिखा होगा शायद किसी लैंग्वेज में। ठीक है, सी यू ऑल टुमारो। सेशन को सब लोग लाइक और शेयर कर देना।